आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। इस वीडियो में हम साइक्लोन के बारे में तो बात करेंगे ही, और ये भी बात करेंगे कि जो तूफानों के नाम रखे जाते हैं इनको कौन रखता है और कैसे रखे जाते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और ये आपको पता ही होगा कि आज रात को दो से मतलब ये डेढ़ बजे से लेकर के सुबह तीन बजे के आसपास तक जो समुद्री तूफान था दाना, इसने दस्तक दे दी है। विटार कनिका के पास में जो जो जगह है वहां पर इसने दस्तक दी थी एज अ सीवियर साइक्लोन। और जब ये लैंडफॉल कर रहा था उस समय 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली और बहुत ज्यादा नुकसान की खबर आ रही है कई इलाकों से, और जो बारिश थी वो भी काफी ज्यादा हुई है। अब धीरे धीरे ये कमजोर हो जाएगा और उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि जो जो खतरा है वो पूरे तरह से अब टल गया है, और अब जो आगे इसका धीरे धीरे और कमजोर होकर के लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनकर डिफ्यूज हो जाएगा, तो अब बारिशें होती हैं कम हो जाएंगे और हवा की रफ्तार भी कम हो जाएगी। तो हम अपने उस टॉपिक पे चलते हैं कि जो समुद्री तूफानों के नाम किसने दिए। तो पहले क्या होता था कि नाम दिए जाते थे जहां पर कोई भी समुद्री तूफान बनता था, चाहे वो प्रशांत महासागर है, साउथ चाइना सी है, अरब सागर है, और ये आपका बंगाल की खाड़ी, अटलांटिक ओशन है, ये अलग अलग जगह पर जो तूफान बनते थे उनके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से नाम दिए जाते थे। उससे क्या होता था, कंफ्यूजन काफी ज्यादा होता था, क्योंकि तूफान एक जगह तो रहता नहीं है, वो अपना रास्ता आगे आगे बढ़ता रहता है और उसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर दोबारा भी तूफान बन सकता है, तो उसका डेटा रखना मुश्किल हो जाता था। तो उसके बाद उनको नंबर दिए जाने लगे, तो अगर जब नंबर भी देते थे तो वो भी कंफ्यूजिंग थे होते थे, लोगों को ये पता नहीं लगता था कि ये वाला तूफान, क्योंकि नाम से ज्यादा याद रहता है कि ये तूफान किस जगह बना है, तो उसका डेटा रखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। और ऊपर से लोगों को बताना कि ये तूफान इस जगह बना है, जैसे 92 भी कभी बना दिया, कभी 5A बना दिया, इस तरह से नाम रखे जाते थे, तो लोगों को ये पता नहीं लगता था कि ये अटलांटिक में है, प्रशांत महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में कहाँ पर है, तो इसका भी जो नंबर जो रखना याद रखना मुश्किल हो जाता था। और नाम आपको मालूम है कि आसानी से याद रहते हैं। तो क्या हुआ कि एक तो जो पूरे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्निंग बॉडी है पूरे विश्व के, जो मौसम विभाग है उनको गवर्न करती है, तो उसके अंदर हर देश का जो भी मेंबर होता है, जैसे कि भारत में क्या है कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो नेशनल एजेंसी है वो पूरा डेटा रखती है, फोरकास्ट वगैरह करती है, और ये सारा काम उसके जिम्मे है। उसी तरह से पाकिस्तान की है, थाईलैंड में है, चाइना में है, आपका यूएस में है, सभी जगह पर अपनी अपनी मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, और वो सब मिल करके आपस में काम करती हैं, डेटा एक दूसरे के साथ साथ एक्सचेंज होता है, तो इस तरह से ये चलता है। तो ये जो जो हिंद महासागर और ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो तूफान बनते हैं, इसके लिए जो आसपास के देश थे, 8 देश थे, उन्होंने एक अधिवेशन रखा जिसको 27वां अधिवेशन कहते हैं, ओमान मस्कट में ये रखा गया सन 2000 में, और उस समय जो 8 मेंबर कंट्री थे इन्होंने अपने अपने नाम सुझाए कि हम ये नाम, हमारे जो नाम है ये अगला जो तूफान बनेगा वो रखे जाएंगे। उसके बाद उसमें 5 मेंबर और जुड़ गए, तो टोटल जो है वो 13 मेंबर हो गए हैं। तो ये जो 13 मेंबर हैं, ये जो मतलब देश हैं, ये आपको बता दूं कौन कौन से हैं, तो इसमें जो ये जो 13 देश हैं उसका अगर नाम देखा जाए तो बांग्लादेश है, ये अल्फाबेटिकली, वैसे तो अलग अलग देश है लेकिन इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखा गया है पहले कॉलम में, यानी कि ABCD के हिसाब से, तो पहले बांग्लादेश है, फिर इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स और यमन, ये 13 देश हैं। इन सब ने अपने अपने नाम दिए हुए हैं, और जैसे बांग्लादेश है उसने जो नाम दिए हैं वो इस पहले रो में आ जाएगा, इंडिया का नाम दूसरे रो पे आ गया, इंडिया का जैसे गति, तेज, मराजू, ये जो ऑलरेडी आ चुके हैं, तेज आ चुका है, गति भी आ चुका है, अब ये मुरासू बाद में आएगा और आग उसके बाद में आएगा, तो ये इस तरह से नाम दिए जाते हैं। तो अभी जो तूफान था दाना, ये आप देखिए कतर ने दिया था, ये लिखा है दाना, इससे पहले आसना आया था, ये पाकिस्तान ने दिया था जो अरब सागर में आया था, उससे पहले रेमल आया था जो ओमान ने दिया था, मिजोंग जो तो म्यांमार ने, मिधली मालदीव ने, उससे पहले हमून आया था,
फिर तेज आया था और उससे पहले बांग्लादेश के द्वारा दिया गया विपर्जॉय आया था। तो इस तरह से ये नाम लगातार चलते जाते हैं। तो ये मैं आपको और दिखा दूं कि किस तरह से ये आगे है। इसमें अगर हम देखें तो ये है जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर, ये यूएस की एजेंसी है, ये ट्रैक करती है, वैसे भारत भी करता है, स्काईमेट भी करती है, ट्रैकिंग करते हैं, साइक्लोन कहाँ जाएगा उसका ट्रैक बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये आप देखिए, ये पूरे विश्व में जो तूफान बने हुए हैं, ये भारत का नक्शा है। यहाँ पर दाना ट्रॉपिकल साइक्लोन 03 भी, जो पहले नाम रखे जाते हैं, नंबर रखे जाते थे, तो वैसे इसका नाम है दाना। और ऐसे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन 22W, इसका है ट्रामी, ये साउथ चाइना सी में है, ये ऑलरेडी चल रहा है, ये लैंडफॉल कर चुका है दाना। और एक और है ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस 23W, ये है कॉन्ग्रे, ये भी आप देखिए ये आपका जापान के आसपास है और ज्यादा पीछे है। तो ये इस तरह से मतलब अटलांटिक में दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह के जो तूफान है, ये लगातार इनके नाम दिए जाते हैं। और जो साइक्लोन बोलते हैं, जो हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में और यहाँ पर बनते हैं साइक्लोन होते हैं, कहीं पर इसका नाम टाइफून होता है, कहीं बिली विली होता है, कहीं पर हरिकेन होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से इसको बुलाया जाता है। लेकिन नाम जो है वो पहले ही, जो जैसे कि ये 13 देश हैं, तो भारत के आसपास के जो इलाके हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो तूफान बनते हैं, ये 13 देश नाम रखते हैं। इसी तरह से साउथ चाइना सी में हो गया या जो भी तूफान है, वो अलग अलग देश, आसपास के जो देश हैं, वो नाम रख देते हैं और पहले से ही वो लिस्टेड होते हैं। तो अगला जो तूफान बनेगा, आपको मालूम है कि अगला जो तूफान बनने वाला है, अगर हम देखें इसमें, तो ये रहेगा ये, इसके बाद ये दाना है। दाना के बाद अगर कोई भी तूफान बनेगा अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में, उसका नाम होगा फेंजल, जो सऊदी अरेबिया ने दिया है। और उसके बाद अगर कोई तूफान बनेगा, उसका नाम होगा शक्ति, जो श्रीलंका ने दिया है। और उसके बाद अगर कोई तूफान बनेगा, उसका होगा मोंथा, जो थाईलैंड ने दिया है। इस तरह से ये नाम चलते जाते हैं। और अगर हम देखें, आप इसको दिखाएं, ये तो JTWC है, एक है CIMSS, ये भी तूफानों को ट्रैक करता है, जैसे कि ये आपका दाना है, और ये जो दूसरा वाला था ट्रामी था, और ये जो था जो मैंने बताया था आपको, क्या नाम था इसका, हाँ कॉन्ग्रे, ये है, ये कॉन्ग्रे बना हुआ है। तो ये सारे जो तूफान हैं, इस तरह से डिमार्केट किए जाते हैं। यहीं पर क्या होता है कि ये जो देश है, इसमें इसको इसमें अगर आगे देखेंगे तो इसका ट्रैक भी आपको दिख जाएगा और टेक्स्ट भी दिख जाएगा कि क्या किस तरह से बन रहा है और किस तरह से आगे जाएगा। तो इस तरह से हम तूफानों के नाम रखते हैं। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि तूफान के नाम कौन रखता है, कैसे रखे जाते हैं और क्यों इसको रखा जाता है। तो तूफान के नाम याद रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तूफान का एक बार जैसे दाना नाम आ गया इस एरिया में, तो दोबारा ये नाम रिपीट नहीं होगा, ये मतलब रिपीट नहीं किया जाएगा। और अगर कोई तूफान यहाँ साउथ चाइना सी से आ रहा है और ये यहाँ पर आ गया, यानी ये वियतनाम वगैरह, थाईलैंड वगैरह को क्रॉस करके बंगाल की खाड़ी में आकर के तूफान ही रहता है, तो इसका नाम यहाँ पर आकर चेंज नहीं होगा। जो हमने नाम रखे हुए हैं 13 कंट्रीज ने, वो नाम नहीं आएगा। जो तूफान का पहले नाम पड़ चुका है, वही यहाँ पर उसको रखा जाएगा, मतलब वही सस्टेन किया जाएगा। इस तरह से नाम रखे जाते हैं। तो हो सकता है कि आपका ये सारा डाउट क्लियर हो गया हो। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि पूरे देश में कैसा मौसम रहने वाला है और जो तूफान है उसका क्या स्थिति है, आगे किस तरह का वेदर रहेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, तापमान गिरेगा बढ़ेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।